चलिए हेडिंग डालिए इंपल्स, हेडिंग डालिए इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इंपल्स फोर्स। इंपल्स फोर्स, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम, द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम इज नोन एज इंपल्स फोर्स। जैसे किसी को बहुत तेजी से चाटा मारो, कैसा फोर्स है? इंपल्स है। क्या उसका इफेक्ट अच्छा रहता है? अच्छा, ड्यूरेशन तो बहुत कम रहती है। मतलब किसी को चाटा मारा तो उसके कॉन्टेक्ट कितनी देर रहा? बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए रहा ना, बट उसका इफेक्ट तो बहुत तगड़ा है ना। शायद आप पिट भी जाए, ऐसा इफेक्ट हो सकता है ना भाई। आपने मारा, आपको भी तो मार सकता है ना। अच्छा, हिटिंग अ बॉल, हिटिंग अ बॉल, आप लोगों ने सबने देखा आईपीएल, अभी अभी आईपीएल या जो भी मैच चल रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या था? हिटिंग अ बॉल, तो बॉल का कॉन्टेक्ट बैट से कितने समय के लिए था? बेटा बात कुछ और बताते, प्रैक्टिकली समझाने के लिए तुम लोग उसी में चले जाते हो ना, बातें नहीं, बात समझिए। हिटिंग अ बॉल, तो बॉल और बैट का इंपैक्ट का ड्यूरेशन क्या है? बहुत ही शॉर्ट है, बट क्या उसका इंपैक्ट अच्छा है? बिल्कुल इंपैक्ट अच्छा है। नेक्स्ट लिखिए एग्जांपल इसमें, हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट, हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट, हिटिंग अ बॉल विथ अ बैट। सेकंड लिखिए, फायरिंग अ गन, फायरिंग अ गन, गन फायर कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या लग रहा है? इंपल्स ही लग रहा है, ठीक है, उससे केमिकल एनर्जी निकली, उससे हीट जनरेट हुई और उससे क्या हुआ? फायर हुआ। तो क्या लग रहा है? बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ज्यादा फोर्स लगा तो वो फायर स्पीड चली गई। इंपल्स बराबर लिखिए, इंपल्स बराबर, इंपल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, इंपल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम, आई बराबर एफ इंटू टी, आई बराबर एफ इंटू टी। यूनिट बताइए इसकी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड, क्या कहीं देखी देखी लग रही है यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड, कहीं देखा है इसको? कहां पे? आज ही देखा है। क्या है ये? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टू बी वेरी प्रिसाइज, क्या है? लीनियर मोमेंटम। डायमेंशन क्या है? एमएलटी माइनस वन, डायमेंशन क्या है? एमएलटी माइनस वन। क्या हुआ? ये पंखा नहीं चल रहा, चला दीजिए। लीनियर मोमेंटम, अच्छा देखिए, एफ एक्सटर्नल क्या है? एफ एक्सटर्नल बराबर डीपी बाई डीटी, डीपी बाई डीटी, तो डीपी बराबर एफ डीटी, पी आई पी एफ, ठीक है, तो पी एफ माइनस पी आई बराबर नोट कर लीजिए, एफ एक्सटर्नल बराबर डीपी बाई डीटी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर एफ एफ डीटी। अगर एफ आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, एफ इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम बराबर इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम बराबर इंपल्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है?
एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चल, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। लिखिए, थैंक यू। यहीं से लिखिए, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, या इसको पी टू माइनस पी वन कर लो, पी टू माइनस पी वन अपॉन टी। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इसमें लिखिए, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या है, फोर्स। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इज, चेंज इन मोमेंटम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड टाइम, चेंज इन मोमेंटम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड टाइम। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स, अप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स, अप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स। ठीक है, तो हमने देखा है कि एफ क्या है, एफ बराबर पी टू माइनस पी वन अपॉन टी, तो F इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी, F इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टाइम के हैं। और अगर हम टाइम अपना बढ़ा दें, अगर टाइम अपना बढ़ा दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा कम हो जाएगा। तो यही सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, जैसे बॉल कैच करता है ना, क्रिकेट का खिलाड़ी जब बॉल कैच करता है, कोई बच्चा है जिसने बचपन में कभी क्रिकेट की ट्रेनिंग वगैरह ली हो, स्टेडियम स्टेडियम से खेले हो कोई, ठीक है, तो वहां पे जो वो होते कोच होते हैं ना, कहते बॉल को कैच करो तो ऐसे हाथ को पीछे लेके जाओ ना, ऐसे बॉल को बहुत, जब हम आप लोग सीखते हैं तो ऐसे कैच करते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऐसे कैच करते हैं, बॉल आई आपने ऐसे कैच कर लिया, बट ऐसे कैच नहीं किया जाता, बॉल कैच करिए और बॉल के मोशन के साथ ही अपना हाथ क्या करिए, जो अच्छा कैच करता है कोई भी प्लेयर तो उसको देखिएगा कि बॉल को वो हाथ को पीछे ले जाता है, क्यों ले जाता है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फोर्स या टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इंपल्स। फोर्स लग रहा है और वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, जैसे बॉल आपके हाथ पे गिरी ना, अगर शॉर्ट टाइम के लिए गिरी तो इफेक्ट ज्यादा डाल देगी, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को इंक्रीज करेंगे, टाइम को इंक्रीज करेंगे। जैसे बेटा एक और भी बात समझिए, जैसे ये मतलब कोई पर्सन है तो उसको आप मतलब हिट कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर शॉर्ट टाइम के लिए हिट करें तो उसको क्या लगेगा, ज्यादा चोट लग जाएगी, और अगर आप उसके गाल पे मार रहे हैं, कहीं मार रहे हैं तो उस पर अगर करें और समय ऐसे हाथ का ज्यादा लगा हुआ है तो क्या होगा, इफेक्ट उसका कम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसे बॉल को हम कैच करते हैं और अगर हम डायरेक्ट उसको कैच कर लें तो हमें क्या लगेगा, हमें उसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा। यहां से भी समझ में आ रहा है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी, अगर टाइम को बढ़ा दें तो हमें क्या होगा, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। जो आपके शॉक एब्जॉर्बर होते हैं बेटा, मोटरसाइकिल में, स्कूटी में, गाड़ी में, सब में क्या होता है, जो शॉकर्स होते हैं, वो हचका आया कहीं पे, आप मान लीजिए ड्रिल किए, वो पहिया आपका नीचे गया तो वहां से एक रिएक्शन फोर्स आया, रिएक्शन फोर्स आया और जितना वो देर में वो मूवमेंट करता है, शॉकर अंदर जाता है बाहर आता है, तो जितनी देर में वो मूवमेंट होता है वो टाइम क्या कर रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है,
तो उसका इफेक्ट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ई रिक्शा में बैठिए और नॉर्मल गाड़ी में बैठिए, ई रिक्शा के शॉकर्स एकदम खत्म है, कुछ होते ही नहीं है शॉकर्स, देखा होगा आप लोगों ने, ई रिक्शा में एकदम शॉकर काम नहीं करते हैं, होते ही नहीं है क्या, शायद होते ही नहीं है, ई रिक्शा में होते हैं, आगे होते हैं, पीछे नहीं होते हैं, पैसेंजर वाले में नहीं होते होंगे, एकदम नहीं होते। वो चलता है तो खड़खड़ खड़खड़ आपको एकदम इंस्टेंट जर्क महसूस होता है, जब चलता है तो पीछे आपको एकदम से जर्क में, आगे वाले में तो है, आगे में तो खुद ही बैठा हुआ है ड्राइवर है, तो पीछे आप बैठे हुए हैं उसमें क्या है, शॉकर नहीं लगा होता है, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर बट शायद शॉकर नहीं है उसमें, तो क्या इंस्टेंट जर्क आपको दे रहा है वो, ठीक है। तो अगर उसमें शॉकर्स लगेंगे वो क्या करेगा, उसको टाइम को इंक्रीज करेगा, वो जो आपका रिएक्शन फोर्स आ रहा है उसको क्या करेगा, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देगा, तो मोमेंटम का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, हाँ वो ट्रेन में तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे बने होते हैं, बफर से बने होते हैं ना, ऐसे लोहे के होते हैं ना, ऐसे होते हैं, फिर ये बोगी होती है ना, अरे याद आ रहा है ना, तो ऐसे दो दो लगे होते हैं सर ना, तो ये क्या होता है, जब ट्रेन रुकती है तो दोनों क्या होते हैं, प्रेस होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा मोशन में थी, मोशन में रहना चाहती है, फिर अचानक से रेस्ट पे आ गई, रेस्ट पे आ गई तो अचानक से क्या लगा, इम्पल्स लगा, और इस इम्पल्स के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या हुआ, टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा दें, तो वो क्या होगा, इसको बोलते हैं बफर्स, क्या बोलते हैं बफर्स। तो बफर भी किस एग्जांपल, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, जो ट्रेन की बोगियों में बफर्स वो लोहे के लगे नहीं होते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है, अगर ना लगे हो तो एक एक वाला दूसरे से टकरा जाए, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, इसी के इम्पल्स के इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है। तो लिख लीजिए एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी, फर्स्ट लिखिए क्रिकेटर कैचिंग अ बॉल मूव हिज हैंड बैकवर्ड मूव हिज हैंड बैकवर्ड टू रिड्यूस एस इफेक्ट ऑफ फोर्स टू रिड्यूस एस इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकेंड लिखिए व्हीकल लाइक स्कूटर बाइक आर बिल्ट विथ शॉकर्स which reduces the effect of force by increasing the time। थर्ड लिखिए bogies of a train are provided with buffers। नेक्स्ट लिखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हेडिंग डालिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है थर्ड लॉ, क्या होता है, हाँ जितना प्रयास आप नीट को पाने का करेंगे, नीट भी उतना ही प्रयास आपको पाने के लिए करेगा, है ना ऐसा, तो क्या है कि नहीं है, चलो लिखो For every action, there is a reaction. अभी लिखो पहले, statement पूरा लिखाएंगे अभी. For every action, there is a reaction. Next line से लिखिए.
according to this law, there is always an equal and opposite, an equal and opposite reaction that is force of action and reaction are always equal and opposite. लिखो, बना लो इसको। तो F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या है? F1 is equal to F2। अगर आप किसी दीवार पे फोर्स F लगा रहे हैं तो दीवार भी आप पे कितना फोर्स लगाएगी? F ही लगाएगी, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। देखो, डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। नेक्स्ट लिखो की पॉइंट, हेडिंग डालिए की पॉइंट। की पॉइंट इसमें लिखिए, दे ऑलवेज अकर इन पेयर। दे ऑलवेज अकर इन पेयर। Nature of force should be same. ब्रैकेट में nature of force should be same. जैसे एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, तो हमेशा कैसे अराइज होंगे? पेयर में अराइज होंगे। और उनका जो नेचर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक ग्रेविटेशनल नेचर का हो और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का हो। क्या हो? दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। जैसे आप लोग चलते हैं, हम लोग तो चलना किससे कैसे पॉसिबल है? अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। मैन वॉक कर रहा है, कोई पर्सन है, अगर पर्सन है मान लीजिए, तो इधर फोर्स लगता है, जूते से पैर क्या हुआ? इधर फोर्स लगा तो फ्रिक्शन ने फोर्स आगे लगाया। इसी की वजह से आप क्या कर रहे हैं? आप चल पा रहे हैं, आप आगे मूव हो रहे हैं। अगर वो बताया था मैंने आपको कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ऑयल गिरा लीजिए टाइल्स के ऊपर और उसके ऊपर चलने की कोशिश करिए। चलने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। क्या चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे, आप तो फोर्स लगा रहे हैं बट फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन वो क्या है? एकदम स्मूथ सर्फेस है, तो फ्रिक्शन नहीं लगा पा रहा है, तो आप फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्विमिंग वाला, स्विमिंग में क्या होता है? पानी को पीछे फेंका जाता है और आप क्या हो रहे हैं? आगे जा रहे हैं। आप पानी को पीछे फेंक रहे हैं और आप किधर जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा गन फायरिंग में, जैसे बंदूक से गोली आगे निकलती है तो आपको झटका लगता है, किधर लगता है? पीछे के साइड में लगता है। तो दोनों फोर्सेस क्या है? सेम नेचर के होने जरूरी है। पहली बात तो एक्शन रिएक्शन पेयर हुए, ठीक है। क्या हुआ? एक्शन रिएक्शन पेयर जो होंगे वो हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे, हमेशा क्या होंगे? पेयर में अराइज होंगे, ठीक है। और उनका नेचर भी क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है। लिखिए, थर्ड लिखिए इसमें पॉइंट।
न्यूटन थर्ड लॉ इज अप्लीकेबल टू इन न्यूटन थर्ड लॉ इज अप्लीकेबल इन रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन दोनों में अप्लीकेबल है। न्यूटन थर्ड लॉ इज अप्लीकेबल इन रेस्ट और मोशन। फोर्थ पॉइंट लिखिए, अप्लाइज इन ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, अप्लाइज इन ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, अप्लाइज इन ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, दे आर पेयर ऑफ सेम नेचर, दे आर पेयर ऑफ सेम नेचर, दे आर पेयर ऑफ सेम नेचर। ठीक है, इसका मास मान लीजिए एम है, इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं कोई बता सकता है? कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पर? दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक कौन सा फोर्स है? mg, और दूसरा कौन सा? नॉर्मल। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, हैं? हैं? ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है। हाँ अच्छा, नॉर्मल फोर्सेस क्या होते हैं? व्हाट इज नॉर्मल फोर्सेस? कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे इसको मोबाइल को मैंने मान लीजिए इस सरफेस पे रख दिया, ठीक है ना, इस सरफेस पे रख दिया, तो ये जो इसका पार्टिकल है इसमें कुछ मटेरियल का बना है, उसमें कुछ एटम्स होंगे, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यहां से इस मेटल से इस मैटर में जाने का प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ दबाव इस पे डालेंगे, और वही दबाव क्या डालेगा, ये जो इस ये जिस मैटर का है वो भी इस पे सेम दबाव डालेगा, लेकिन जा तो पा नहीं रहे, ना ये इसके अंदर जा रहा है, ना ये इसके अंदर जा रहा है, तो ये क्या है? पोजीशन आ रेस्ट पे है, पोजीशन आ रेस्ट पे ये बना हुआ है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल क्या है? जीरो है, बट ये दबाव तो डाल रहा है, अपने वेट के कारण दबाव डाल रहा है, तो ये जो नेचर ऑफ फोर्सेज, ये इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं ना फोर्सेज, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह या इसका मटेरियल डाल रहा है फोर्सेज, इस तरह के फोर्सेज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या फोर्स कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब ये इस पर दबाव डाल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या निकल लग रहा है? एक नॉर्मल फोर्स हमारा लग रहा है, पुश पुश के कारण ही तो लग रहा है, ये क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या अराइज हो रहा है? एक नॉर्मल फोर्स अराइज कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, और एमजी क्या है? एमजी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस मास से, जिस फोर्स से आप मतलब क्या कर रहे हैं, जो अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है वो क्या है? एम जी, ठीक है, तो ये दोनों फोर्स का नेचर क्या है? सेम नहीं है। अच्छा ये खींच रही है तो क्या आप अंदर जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, आप वहीं पे खड़े हैं, तो एफ एक्सटर्नल क्या है यहां पे? जीरो है, यानी कि एन एन माइनस एम जी बराबर जीरो, तो एन बराबर एम जी है। ऑल्दो दिस इक्वेशन इज ट्रू, ऑल्दो दिस इक्वेशन इज ट्रू, बट दे डज नॉट फॉर्म द एक्शन रिएक्शन पेयर, क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? डिफरेंट है, दोनों का नेचर क्या है? डिफरेंट है। बात समझ में आई? किसी बुक को हमने रखा, मान लीजिए इसको मैंने थर्मस को, मान लीजिए बॉटल को मैंने यहां पे रखा, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स एक लगेगा, और इसके वेट के कारण इस पे क्या लगेगा? एक mg फोर्स लगेगा, तो दोनों n बराबर mg तो होगा, क्योंकि मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, मूवमेंट हो रहा है क्या? मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो क्या लगेगा? n बराबर mg, n बराबर n माइनस mg बराबर जीरो होगा, क्योंकि a जीरो है, n माइनस mg बराबर m into a आप कह सकते हैं, a यहां पे क्या है?
जीरो है तो एन बराबर एम जी होगा, बट ये दोनों क्या है, बराबर फोर्सेस तो है बट दिस फोर्सेस इज नॉट द एक्शन रिएक्शन पेयर। स्टेटमेंट में हो सकता है कि कहीं सवाल आ जाए तो इसको लिख लीजिएगा, रुके ढूंढते हैं, मिल जाए तो लिखा दूं। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आगे पढ़ाएंगे तब लिखाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा तब एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या, तो अर्थ होती है ना, अर्थ है तो बड़ी गजब अर्थ बन गई, ठीक है। यहां पे कोई पर्सन है मान लो, तो ये अर्थ क्या कर रही है, अर्थ किधर अट्रैक्ट करती है बेटा, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये कितना लग रहा है एम जी, तो यहां पे एक रिएक्शन फोर्स कहां से लगेगा, अर्थ के सेंटर से लगेगा, तो ये जो पेयर है आर और एम जी, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये दोनों का नेचर क्या है, ग्रेविटेशनल ही है, इन दोनों का नेचर ग्रेविटेशनल ही है, केवल स्टेटमेंट पर्पस से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं आ जाइए कि नॉर्मल फोर्सेस और एम जी ये दोनों क्या है, क्या दोनों इक्वल है, यस बोथ आर इक्वल, क्या दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि उनका नेचर एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए उन दोनों फोर्सेस का सेम नेचर में होना जरूरी है, और ये दोनों सेम नेचर के नहीं है। अब पूछे अच्छा नहीं है तो फिर है क्या ना, नहीं है तो फिर है क्या, तो उसको और डिटेल बताओ कि अच्छा चले आओ अर्थ के अंदर आओ सेंटर पे आओ, ठीक है सेंटर पे आ गए तो ये क्या हुआ एम जी फोर्स लग गया, और यहां पे क्या लगा रिएक्शन फोर्स लगा, तो आर और एम जी ये क्या है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है और दोनों का नेचर क्या है ग्रेविटेशनल, ठीक है समझ गए, आगे क्वेश्चन भी एग्जैक्ट आएगा तब फिर कराएंगे, ठीक है। चलो तो तुम्हारा बेटा ये खत्म होता है।